भारत देश में ओमिक्रॉन वायरस की कई राज्यों में दस्तक के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिम रेलवे द्वारा आरपीएफ जवानों को रेल यात्रियों की सुरक्षा और गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए तैनात किया जा चुका है। जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उन यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पश्चिम रेलवे द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन यात्रियों से करवाया जा रहा है। इसके लिए आरपीएफ सहित अन्य जवानों को भी गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए लगाया गया है। यात्रियों के दोनों ही टीकाकरण व उनका तापमान परीक्षण किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हाँ देखिए, ये तो क्या है कि गाइडलाइन तो करा कि उनको पेनल्टी लिया जाएगा, तो अभी क्या है कि जैसे जैसे अभी ये बढ़ेगा तो अब सारी जो पाबंदियाँ हैं वो लगेंगी, क्योंकि अभी आरपीएफ जो टेस्ट है जो वो चालू कर दिया गया है, तो इसके अलावा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या कि पैसेंजर की तो पहली ये वो है कि पैसेंजर अपना खुद ध्यान रखे, बट हम अपनी तरफ से भी आरपीएफ और जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उनके थ्रू ये काम करवाने की कोशिश करें। फिलहाल केंद्रीय रेलवे विभाग द्वारा किसी भी तरह की कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।